नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने लव जिहाद के जवाब में युवा हिंदू पुरुषों से मुस्लिम लड़कियों को लुभाने का आह्वान किया है और उन्हें सुरक्षा और रोजगार का आश्वासन दिया है। मैं यहाँ के युवाओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ, अगर हम एक हिंदू लड़की को खो देते हैं तो हमें 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो श्रीराम सेना आपकी जिम्मेदारी लेगी और हर तरह की सुरक्षा और रोजगार प्रदान करेगी। महाराष्ट्र की राजनीति जबरदस्त तरीके से गर्म है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह सौंप दिया है। इसके बाद से उद्धव ठाकरे और उनके करीबी जबरदस्त तरीके से भाजपा पर हमलावर हैं। इन सबके बीच संजय राउत ने साफ तौर पर दावा किया है कि शिवसेना को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने अमित शाह को महाराष्ट्र और मराठों का दुश्मन नंबर एक भी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प देश ने लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर अपने 10 साल के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए के घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक रुपए का भी आरोप नहीं। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में रविवार को धार्मिक आयोजन के आखिरी दिन ईसाई धर्म अपना चुके लोगों की घर वापसी कराई गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने करीब 220 लोगों को पीली पट्टिका पहनाकर सनातन धर्म में वापसी कराई। अमेरिका के आसमान में फिर से एक जासूसी गुब्बारा दिखाई दिया। खबर के अनुसार यह गुब्बारा हवाई राज्य के होनुलुलु प्रांत के पूर्वी इलाके में देखा गया है। गौरतलब है कि जिस इलाके में यह विशाल गुब्बारा देखा गया उस क्षेत्र में कई कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ रही हैं। ऐसे में यह गुब्बारा इन हवाई उड़ानों के लिए खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि शिवसेना के उनके धड़े को छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद के कारण तीर कमान का चिन्ह मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण का उद्घाटन किया। तेलंगाना में YSRTP प्रमुख YS शर्मिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर महमूदाबाद विधायक मनोज शंकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। अब इसे लेकर शर्मिला ने KCR सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि विधायक नाइक जो कि एक ST हैं, उन्होंने मुझे नपुंसक बुलाया है जिस पर मैंने सिर्फ जवाब दिया था। इस पर ही मेरे खिलाफ SC ST उत्पीड़न मामले में केस दर्ज हो गया है। कृति सेनन बॉलीवुड की एक प्रमुख अभिनेत्री हैं। उन्होंने मिमी, लुका छुपी और बरेली की बर्फी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। शुक्रवार को कृति सेनन की फिल्म शहजादा रिलीज हुई। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ कृति सेनन की इस फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठीक ओपनिंग मिली है। इस बीच KRK ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लिखा, कृति सेनन बॉलीवुड की सबसे पनौती अभिनेत्रियों में से एक है, जिस फिल्म में आती हैं ले डूबती हैं। पंजाब समेत उत्तर पश्चिम के सभी राज्यों में फरवरी के महीने में ही अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। सुबह शाम के वक्त गुलाबी ठंड है, लेकिन दोपहर के वक्त तेज गर्मी पड़ने लगी है। सूबे के सभी शहरों में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।